हाय गाइस, रंजन की दुनिया में आपका स्वागत है। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम घरघंटी में आटा कैसे पीसते हैं उसकी सारी प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बने रहिए। सबसे तो गाइस, हमें सबसे पहले तो हमारी ये घरघंटी का जो ढक्कन है उसे खोलना है। तो देखिए, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, 2 मिनट। तो जैसे उसके बाद हमें जिस नंबर की जाली चाहिए उस जाली को हमें सेट करना है। देखिए, तो यहाँ मैं गेहूँ पीसने के लिए, आटा घर का बनाने के लिए मैं 2 नंबर की जाली को यूज़ करती हूँ। तो आप जैसे आटा खाते हो, 3 नंबर की जाली, 4 नंबर की जाली, उस हिसाब से आप पहले जाली को सेट कर सकते हो। नंबर 2 क्या प्रोसेस है, चलिए बने रहिए। ये हमने जाली को सेट पहले यहाँ कर दिया। अब हमें इसको क्या करना है, दरवाजे को बंद कर देना है। तो नंबर 1 हमने तो पहले यहाँ हमारी जाली फिट की, ठीक है। और नंबर 2 ये है आटा पीसने का डब्बा, जो हमारे साथ घरघंटी के साथ आता है। तो घरघंटी के साथ आए हुए डब्बे के ऊपर इस तरह का ढक्कन रहता है। तो हमें अब इसको क्या करना है, इसमें सेट करना है। देखिए आप ये कैसे, ये प्रोसीजर हमें करना है, ठीक है। तो अब ये हो गया सेट। इसको ऐसे करके डब्बे को थोड़ा पीछे ढकेल देना है। तो देखिए, ये सिस्टम हो गई कि जैसे घरघंटी से हमको पहले प्रोसेस क्या है, तो पहले इसको खोलना है, इसके अंदर जाली सेट करनी है, और नंबर 2 इसके फिर नीचे ये डब्बा हमें सेट करना है, ठीक है। अब ये डब्बा सेट कर दिया, यहाँ के ये सारे जो क्लिप है वो सारी अच्छी तरह से पैक होनी चाहिए। अब इसको हम कर देंगे दरवाजे को बंद। तो चलिए, और इसकी ये जो क्लिप है, मेन ये ध्यान रखना है, इस क्लिप को हमें बंद करना है। तो ये अंदर की सारी प्रोसीजर हमने कर दी। तो अब तीसरी प्रोसीजर हमारी क्या है, तो ये है क्लिप। जैसे ये घरघंटी की क्लिप हो गई, इसे हमें क्या करना है, यहाँ सेट करना है, ठीक है। बटन अभी चालू नहीं करना है, इसे हमें लगा दिया है। और इसके बाद हमें ये जो हमने गेहूँ निकाल के रखे है, उस गेहूँ को हमें क्या करना है, ये जो हमारी घरघंटी है उसके अंदर रखना है। और उसके बाद जैसे उसको पूरा हम पहले भर देंगे, ठीक है। तो इस तरह आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर में अगर आपने नई घरघंटी खरीदी है और आपको थोड़ी समझने में तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पहले मैंने भी नई घरघंटी खरीदी थी, तब मुझे भी थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती थी कि भाई कैसे सेट करना है, कैसे नहीं। यहाँ देखिए, ये सारी वार्निंग लिखी होती है कि इस तरह से कौन सी जाली, क्या पीसना है, क्या नहीं। देखिए, बाजरी, जुआरी सबके लिए अपना अलग अलग इन्होंने दिया हुआ है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि बाजरी के लिए कौन सी जाली होती है, कितना किलो की होती है। ये देखिए, आप सारी प्रोसीजर यहाँ पढ़ सकते हैं, सारी बातमी है, ठीक है। अब हमारे गेहूँ यहाँ भर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए इस तरह का ये है, वायर को यहाँ सेट कर देना है। अभी हमने की पिन चालू, बटन स्टार्ट। तो देखिए, ये हो गई हमारी घरघंटी चालू। आवाज़ आ रहा है आपको? तो सबसे पहले हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी ये जो क्लिप है ये पूरी बंद रहनी चाहिए। अब उसके बाद हमने ये क्या किया है, ये जो यहाँ पे वायर को करके आप इसको हमें क्या कर देना है, बंद कर देना है। तो बस हो गई हमारी घरघंटी चालू। अब ये 15-20 मिनट में हमारा आटा बनके तैयार हो जाएगा। तो गाइस, आप ये हमारा आटा बनके रेडी हो चुका है। देखिए, ये ऑटोमेटिक आपको म्यूजिक सुनाई देगा, तो समझो आपका आटा तैयार हो गया। और आपको क्या करना है, बटन बंद कर देना है। और ये देखिए, मैंने निकाला, मतलब खोल दिया इसको, और ये हमारा आटा बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो, उसको 5 किलो आटा पीसने में मुझे लगभग 40 से 45 मिनट लगे। तो देख रहे हो, घर का गरम गरम ताज़ा आटा। चलिए और रोटी बनाइए और खाइए। हाय गाइस, तो आज मैंने आटा घर पे कैसे, आटा मेकर में आटा घर पे कैसे तैयार करते हैं, इसकी सारी प्रोसेस मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। मतलब आप समझ सकते हो, अगर आपने नया आटा मेकर खरीदा है तो आप आसानी से सीख सकते हो। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करना, और आप सबके एक लाइक की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप सबके सपोर्ट की भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए, और कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। और मेरे चैनल को नए है अगर मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।